तो चलिए अब बढ़ते हैं एक बार फिर आज हो रही वोटिंग की खबर को लेकर, क्योंकि आज पहले फेज की वोटिंग है। बिहार से आंकड़े सामने आ रहे हैं। नवादा में 11 बजे तक 17.65% मतदान हो गया। बिहार के जमुई में 11 बजे तक 19.33% वोटिंग हो गई। बिहार के गया में 11 बजे तक 14.50% तक मतदान हो चुका है और औरंगाबाद में 11 बजे तक 15.04% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी 11:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि लोग अपने घरों से निकले हैं। ऐसा हो सकता है ये जो वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ा कम नजर आ रहा है वो इसलिए भी हो क्योंकि लोग घर के काम निपटा रहे हों, उसके बाद वो घरों से निकलेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। बड़े चेहरे चुनावी मैदान में अपने अपनी जीत का दम भरते हुए, और ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं, बिग फाइट जिसे हम कहते हैं, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, चेहरे चल रहे हैं, और इन्हीं चेहरों में है बड़ा मुकाबला भी। मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ हैं, बिहार की अपडेट हमने दे दी, लेकिन मोहम्मद अफसर जो कि मुजफ्फरनगर में मौजूद है। राजीव, डॉक्टर संजीव बालियान यहां से केंद्रीय मंत्री, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और मोहम्मद अफसर इस वक्त आप जिनके साथ खड़े हैं उनका परिचय दें और बात करें अब तक की वोटिंग को लेकर। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले इनके पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर संजीव बालियान के बड़े भाई हैं आप। सबसे पहला सवाल सर आपसे, क्योंकि इस बार डॉक्टर संजीव बालियान के लिए क्या सब कुछ आसान है पहले की तरह? हाँ सब कुछ आसान है, पहले से बढ़िया, पहले से भी अच्छा। लेकिन आपके साथ ही संगीत सोम से जो लड़ाई पिछले कई दिनों से देखने में आ रही है, राजपूत समाज की नाराजगी देखने में आ रही है, उससे तो नुकसान होता हुआ दिख रहा है ना? नहीं सब ठीक है, कोई नाराजगी नहीं। वो तो संगीत सोम का अपना होगा कुछ थोड़ा बहुत, उसकी बात ही नहीं मानना कोई, ठाकुर बात ही नहीं मानना उसकी, ठाकुर तो बीजेपी का वोटर है। अच्छा कैसे मानते आप, इस बार कितना वोट मिलने वाला है, कितने परसेंट से जीतने वाले हैं? वाह हमें नहीं पता जीतता का, इतना पता हमें तो परसेंटेज तुम देखो बस जीतेगा, बढ़िया ऑटो से जीतेगा, बढ़िया ऑटो से जीतेगा। अच्छा ऐसा क्या है, क्योंकि दो बार के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, तो ऐसा क्या है कि लोग उनसे खुश हैं? कैसे क्यों लगता है आपको कि लोग खुश हैं? काम करे, सबसे सीधा मिले, सबके फोन उठावे, सबके काम करे, सबके दुख सुख में जा, इस वजह से खुश है लोग। आप वोटर से कुछ अपील करना चाहेंगे? वोटर से तो वोटर तो उत्साहित है, पूरा अपने आप ही वोट कर रहा, उत्साह से वोट कर रहा, पूरी उमंग है वोटर के अंदर। पिछली बार भी 68% वोटिंग हुई थी सिर्फ मुजफ्फरनगर में। पिछली बार 68 हुई थी, अब का और भी ज्यादा होनी चाहिए ऐसा लग रहा मुझे तो। बिल्कुल, ये डॉक्टर संजीव बालियान के बड़े भाई हैं, इन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार डॉक्टर संजीव बालियान जीत रहे हैं। वैसे जो यहाँ पर आम वोटर है हम उनसे बात करते उसको नकार रहे हैं, किसानों की नाराजगी को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत होती हुई नजर आ रही है। अफसर आप रहिएगा हमारे साथ में। इस वक्त दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी सभी की निगाहें हैं। दीपक विश्वकर्मा आप कौन से पोलिंग बूथ पर हैं, क्योंकि अच्छे खासे लोगों की भीड़ वहां पर दिख रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कीजिए। देखिए मैं बस्तर में मौजूद हूँ और बस्तर को लेकर जिस तरीके से चर्चा सुबह से कर रहा हूँ कि 69 से ज़्यादा पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो मतदान कर्मी है उनको पहुँचाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर संचार का कोई माध्यम नहीं है, जहाँ मैन्युअली यदि मान लीजिए मैं कोई अधिकारी हूँ तो मुझे जानकारी देने के लिए सफ़र तय करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा और उसके बाद जानकारी साझा की जाएगी। उस बस्तर में मौजूद हूँ अभी मैं, मौजूदा स्थिति में जिला मुख्यालय जगदलपुर में हूँ। कुछ लोग हैं जो आए हैं उन्हीं से समझ लेता हूँ क्या दिमाग में थॉट है वोट करने से पहले। बस हर बार मतलब लास्ट इतने समय से बहुत सारे हम चीज़ें ले रहे हैं, मतलब सुविधाएँ ले रहे हैं, आगे और मिले यही है। बिल्कुल नक्सलवाद की चर्चा बस्तर में बहुत है, क्या लगता है कि खत्म हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुझे तो लगता है कि टोटल खत्म हो। जगदलपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजापुर सुकमा कोंटा। दीपक विश्वकर्मा आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज ऑडियो हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अफसर का रुख कर लेते हैं। अफसर जहां पर माहौल बिल्कुल बना हुआ है और संजीव बालियान की एक तरफा जीत का दावा हो रहा है, अफसर लोगों से बात कीजिए, इंटरेस्टिंग है, किस भी तरह के चैलेंज की यहाँ पर बात एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कह रहे हैं बिल्कुल मैं आप बिल्कुल मैं आप आम लोगों से ही बात करता हूँ जो वोट देकर के बाहर निकले हैं। आपने क्या सोच करके वोट दिया इस बार? देखो जो मेरे मंत्री जी है डॉक्टर संजीव बालियान जी,
इनका चहुमुखी विकास है जिले में, कोई काम ऐसा नहीं जो इन्होंने अब न किया हो। हर चीज में रोड हो, स्कूल बनाने हो, कोई भी सुविधा हो, पानी की सब चीज की व्यवस्था करवा दी इन्होंने जिले में। 10 साल में जिला टॉप पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, मतलब कि विकास का काम कर रहे हैं। हाँ, और उसी को देख करके आप वोट दे रहे हैं। आपने भी वोट क्या सोच करके दिया? इस टाइम जैसा तुम आए जी रस्ते में थारी ये भी कोस लगते 14 से पहले इब जा सुकून है। अब कोई भी मारे बाल बच्चे किसी भी टाइम कहीं कोई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2014 से पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा? रोज रोज नहीं होती, हर रोज होती, अब नहीं होती। हाँ जी, 10 बजे से बाद में हम जा नहीं सकते जी, खेत में भी जाते 10 बजे लोग जो काम कर लिया फिर अपने घर में आ गए। मतलब जब से डॉक्टर संजीव बालियान सांसद बने हैं तो उसके बाद से बहुत फर्क दिखा है, आपको क्या फर्क दिखा है? चलो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आप बात कीजिए, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे अफसर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मतदान को लेकर, अलग अलग जगहों पे कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 25.20% मतदान, बिहार में 11 बजे तक 20.42% वोटिंग, और पश्चिम बंगाल ने छोड़ दिया है सभी को पीछे, 11 बजे तक 33.56% लोगों ने मतदान किया है, जबकि मध्य प्रदेश में 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 30.46%। महाराष्ट्र कुछ पीछे, 11 बजे तक 19.17% वोटिंग हुई है, थोड़ा पीछे, लेकिन पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तेजी के साथ वोटिंग में आगे दिख रहे हैं, और यही होना जरूरी भी है। शाम 6 बजे तक जो लोग मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। समय ज्यादा नहीं है, ये सोचकर घर पर ना बैठे कि समय बहुत है, कभी भी निकल जाएंगे, आराम से समय तुरंत निकलिए और वोट सबसे पहले अपना कास्ट कर दीजिए। 21 राज्यों की 102 सीटों पर हो रहा है मतदान, अगर आप भी इन 102 सीट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है और अभी तक आप घर से नहीं निकले हैं तो इंतजार आप खत्म कीजिए और तुरंत घर से निकलिए, अपने घर के साथ अपने परिवार वालों के साथ में 18+ जो भी लोग हैं वो जाकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और जो उत्साह अभी दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर वो पश्चिम बंगाल से राजीव ज्यादा नजर आ रहा है, और पश्चिम बंगाल से ही देखिए हिंसा और पथराव की भी खबर सामने आई, यानी अग्रेशन बहुत है यहाँ। ये दो चीजें वाकई समझा नहीं पा रही है कि स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में, हिंसा की खबरें भी वहां से सामने आ रही है, वोटिंग भी सबसे ज्यादा वहां पर हो रही है, हालांकि मध्य प्रदेश नेक टू नेक बना हुआ है, 33% से कुछ ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग है और 30% से ज्यादा मध्य प्रदेश में वोटिंग है, लेकिन फर्क इतना है कि मध्य प्रदेश से हिंसा की खबरें नहीं है, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसका अंदाजा पहले के चुनावों में भी लगाया गया था और पहले के चुनावों में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन सबसे अच्छी वो तस्वीर जो वोट डालने के बाद लोग अपनी उंगली पर स्याही के निशान की तस्वीर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज यही अपील करेगा और यही देखना चाहेगा कि हर कोई अपनी उंगली पर स्याही के निशान की वो तस्वीर सामने रखे। वोटिंग परसेंटेज लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोग जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं उसमें आम हो या खास हो हर कोई कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है और फिर जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वोट डाल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लोगों में बड़ा उत्साह है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे चुनावी दौरे पर तो ये भी आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन आज लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह, और अजय के तस्वीरों में हम देख रहे हैं बहुत से लोग हैं, सीनियर कोलीग अजय झांडियाल तस्वीरें दिखाइए, बातचीत कीजिए लोगों से। तो दफा 370 टूटने के बाद जो चुनावों की हलचल, चुनावों के होने का इंतजार कर रहे थे, कम से कम उनको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ लोग सुबह से कतारों में लगे हुए हैं और लगातार बारिश रुकने के बाद जब मौसम साफ हुआ है, धूप खिली है, तो उसी तरह से यहाँ पर लोगों में जोश और कहीं ना कहीं जो क्राउड है वो भी बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि अब जो जम्मू कश्मीर की जो 370 टूटने के बाद तस्वीर बदली है वो तस्वीर दरअसल जो है वो और बेहतर होती जाएगी। आप देखेंगे एक तरफ पुरुषों की कतार है, दूसरी तरफ महिलाएं खड़ी हैं और लगातार जो हैं वो अपने वोट डालने के लिए पहुंच रही है। इन्हीं से जानते हैं क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, कैसा नुमाइंदा चुनेंगे? होगा वही जो अच्छा हो। क्या लगता है कैसा नुमाइंदा आपका आपका और आपका भला कर सकता है, आपके इलाके का भला कर सकता है? वोट तो हम उसी को देना चाहेंगे जो हमारी जम्मू कश्मीर के बारे में सोचे, जम्मू कश्मीर की और ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचे, गवर्नमेंट जो है जॉब्स मिले बच्चों को, सब कुछ अच्छा हो, हम उसी को चुनेंगे। कि आप पहली बार वोट डाल, कैसा लग रहा है पहली बार वोट डाल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे किस तरह के कैंडिडेट को चुनेंगे, इशू क्या है?
हम तो उसी कैंडिडेट को चुनेंगे जो इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि मोदी जी कि जब से वो आए हैं तब से इंडिया की बहुत डेवलपमेंट हुई है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं को आगे। आपको क्या लगता है? मैं अपना पर्सनल वोट तो मोदी जी को ही दूंगी, क्योंकि हमें एक्चुअली जीरो पॉइंट से लेकर हमें जियो पॉलिटिकल व्यू भी देख रहा है, तो हम अपने बेसिक नीड्स भी देखेंगे और देखेंगे कि इंटरनेशनली हमारी कंट्री को किससे फ़ायदा होगा। इंटरनेशनली कैसे फ़ायदा होगा? आप भी वोट डालने आए हैं, बच्चों के साथ इनको भी सिखाएंगे? यस, इनको भी सिखाएंगे कि कैसे आगे वोटिंग करनी है, कैसे हम सरकार को आगे। अजय अजय, अगर आप पूछ सके तो मैं अपनी तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो वोट देने आए उसे जरूर पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या 370 का हटना उनके दिमाग में रहेगा जब वो वोट कर रहे होंगे, बटन दबा रहे होंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आपस में रार रही है पक्ष विपक्ष में। बिल्कुल, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं और बात करने की मंशा बड़ी साफ है कि लोगों से ये जाना जा सके कि किसी भी तरीके से लोग चाहते क्या हैं। आपसे जानना चाहूंगा, वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दे बहुत से हैं, रोज के मुद्दे हैं, हरी कृष्ण के मुद्दे हैं। तो क्या लगता है 370 जो टूटा है वो भी एक मुद्दा है? वो भी एक मुद्दा था। क्या लगता है, सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ। क्या आपको क्या लगता है, यंग लोग यूथ जो है वो किस तरह? आई थिंक द बेटर पर्सन विल विन टुडे एंड आई होप कि जो भी हमारे लिए अच्छा करे हम उसको वोट दें और द बेस्ट विल विन टुडे। अच्छा कौन कर सकता है, क्या लग रहा है, क्या इशू क्या है आप लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए? इशू डेवलपमेंट है सर, और एजुकेशन सिस्टम है सर, और जो ये JKSSB के जो फॉर्म निकलते हैं उनमें धांधली होती है सर, वो अच्छी होनी चाहिए, वो सिस्टम बिल्कुल साफ होना चाहिए। आई विल वोट फॉर द बेटर पर्सन एंड आई थिंक द बेटर पर्सन विल विन टुडे। और क्या लगता है, जो दफा 370 टूटी है वो भी एक मसला है आपके सामने, वो सही हुआ या गलत? सर आई थिंक सही हुआ सर, सही हुआ, उससे काफ़ी हद तक सर चीज़ें अच्छी हुई हैं JNK में, और आई होप कि आने वाले टेन्योर में भी वो चीज़ें अच्छी हों और एक बेटर रिजल्ट मिले हमको। कुछ और लोगों से राजीव बात करूंगा। मेरे साथ एक शख्स हैं, आप काफ़ी बार वोट डाल चुके होंगे, क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या हैं और क्या दफ़ा 370 जो टूटी है वो भी आपके दिमाग में है, वो भी एक मुद्दा? बिल्कुल अच्छी बात है, जो दफ़ा टूटी है ठीक हुआ है, अब डेवलपमेंट का मतलब रास्ता खुल गया है। तो क्या लगता है कि जो वोट डालने जा रहे हैं वो किन इश्यूज को लेकर आप वोट डालेंगे? राजीव, आप सुन सकते हैं, लोग ज़्यादातर देखें तो लगातार कह रहे हैं कि 370 टूटी है, अच्छा हुआ है, और डेवलपमेंट जो है लोगों के लिए इशू है, कई जो युवा हैं वो चाहते हैं कि जो अजय पता है कि आपके इस बातचीत में मतदाताओं के साथ सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि ये दोनों लाइनें बहुत बड़ी हैं, इतनी ज्यादा भीड़ यानी मतदाताओं में उत्साह है, जागरूकता है। मैं भी ये कहने वाली थी कि महिलाओं की अच्छी खासी लंबी लाइन, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अजय आप रहिएगा हमारे साथ में, पीलीभीत से मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जहां पर जो वोटर्स हैं वो पीलीभीत से ये कह रहे हैं कि जो अब तक काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, लेकिन हाँ वरुण गांधी हो या फिर जितिन प्रसाद हो वो पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। मेहंदी, कुछ और लोगों से बात कीजिए, हो सकता है कुछ और लोगों की राय अलग हो। जी बिल्कुल, हम अभी पीलीभीत के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो मतदाता है वो यहाँ पर बहुत कम संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो लगभग 28% वोटिंग पीलीभीत में हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 ही मतदाता यहाँ पर सिर्फ मौजूद हैं फिलहाल इस पोलिंग बूथ स्टेशन पर, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि 6 बजे तक ये वोटिंग है तो जो नंबर है, जो लोग हैं वो अपने से ज्यादा बाहर निकल पाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि लोग अभी गर्मी की वजह से और अपने घरों में कुछ काम की वजह से सुबह से मौजूद हैं कि आपको ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से हमने पहले बातचीत की लोगों से और उनकी बात सुनाई तो लोगों का कहना साफ है कि वो जितेंद्र प्रसाद पर एक बार दाव लगाने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का ये गढ़ है, और वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद बहुत से कयास थे कि क्या जितेंद्र प्रसाद को जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ऐसे अगर जनता का यहाँ पर मूड देखा जाए। महिलाएं आपके पीछे से गुजर रही हैं, बात कीजिए सीधा। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर, महिलाएं बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपने यहाँ पर वोट अभी कास्ट किया है, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर पीलीभीत में? क्या आप
क्या क्या उम्मीदें लेकर आई हैं कि सरकार आपके लिए ये कहे, महिला सुरक्षा है आपके लिए एक टॉपिक? उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं सरकार से कि बच्चे अब रोजगार है, उनको रोजगार मिले, या कहीं कि सड़कें यहाँ पर टूटी फूटी जाना है वो संभलें, या और भी बहुत सी बातें हैं जिससे सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारे लिए करे कुछ। तो पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि पीलीभीत में क्या कुछ काम हुए हैं? काम तो हुए हैं मगर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुए। तो वरुण गांधी थे यहाँ से पहले जो जीते थे, तो क्या आप अपना वोट दूसरी जगह देकर दूसरे प्रत्याशी को चांस देना चाहेंगे या एक बार फिर से बीजेपी पर दाव लगाएंगे? अभी तो फिलहाल बीजेपी को एक चांस वोट करना वोटर का अधिकार है और हम किसी पार्टी का जिक्र अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुद्दों का जिक्र करेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है मेहंदी, आप रहिएगा हमारे साथ। मेहंदी बता रही है धूप बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा हो गई है, इसीलिए वहां पर वोटर्स की संख्या जो है कम है, लेकिन अजय जांडियाल के पीछे भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। राजीव, अजय जांडियाल हमें दिखा रहे हैं लोगों का जोश, लोगों का जज्बा। अजय एक बात बताइए, क्या आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? राजीव, क्योंकि आज मेरा जो चुनाव है वो पहले फेस का जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है जहां से मैं वोटर हूं, मगर जरूर अपने मत का इस्तेमाल करूंगा और लोगों को भी यही कहूंगा। तस्वीरें बिल्कुल आप एक देखिए कि लगातार जो बड़ी बड़ी कतारें हैं वो यहां पे बढ़ती जा रही हैं, और आपको बता दूं कि इसी तरह की सुखद तस्वीरें जो है ना सिर्फ उधमपुर टाउन बल्कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल रही हैं। और आप देखें कि 2600 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो आज वहां पर पोलिंग हो रही है। एक तस्वीर में आपको इन चुनावों के जहां वोटिंग हो रही है उन कतारों के बीच बताना चाहूँगा कि सामने ऊपर जो है तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, तो ये एक अलग तरह का अनुभव यहाँ पे होता है। इस पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हम हैं, यहाँ 3 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं अलग अलग तरह से, और तीनों में इसी तरह की लंबी कतारें हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार लोगों को क्या लग रहा है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा क्या सोचकर वोट करने वाली हैं आज, कैसा कैंडिडेट आपको लगता है जीतना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और आपको क्या लगता है, आपके इलाके के मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर देश इम्पोर्टेंट है? देश इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है? देश इम्पोर्टेंट है सर। लोकल इश्यूज जो हैं वो भी हैं आपके सामने? हाँ जी सर, वो तो बिल्कुल है ही है, बट लोकल इश्यूज के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ और लोगों से, क्योंकि हर कोई बोलना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है वोट करना, और जब वोट करेंगे तो क्या मन में होगा, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। आपको भी लगता है? कुछ और लोग, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या लग रहा है, लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, और क्या सोचते हैं कैसा कैंडिडेट जीते? अच्छा अजय, अजय टेम्परेचर कितना है इस वक्त वहां पर जहां आप मौजूद हैं, तापमान कितना होगा इस वक्त? आपको बताऊं, एक तस्वीर में आपको बताता हूं टेम्परेचर का अनुभव आपको खुद हो जाएगा। 3 दिनों से यहां बारिश हो रही थी और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हिली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आप देखेंगे लगातार सर्द हवाएं जो है चल रही हैं और तापमान इस वक्त जो है वो 20 डिग्री के आसपास। अजय, फिर तो इसे गुनगुनी धूप कहा जाएगा। बिल्कुल, 3 दिनों के बाद यहाँ धूप खिली है, इसलिए लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। और कतारें आप देखिए, लगातार कतारें अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर अलग अलग तरह से है। लोगों से बात करके मैं अभी, क्योंकि मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा हूँ, इनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिरकार देश की पल्स क्या है, इस इलाके की पल्स क्या है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी सामने आई है, जहां जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, दुल्हन वहां पर सुबह सुबह पहुंच गई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। देखिए वो तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां दुल्हन ने पहले अपना फर्ज निभाया है, फिर वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगी। मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम कनेक्ट करेंगे कि संजीव बालियान के चांसेस कितने ज्यादा लग रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक बाजी मारते हुए नजर आए।